हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये देखो, मेरे यहाँ आज नाइट से ही बारिश लगी पड़ी है और लगातार चल के रह गई है, बंद ही नहीं हो रही है। अभी तक नाइट में शुरू हो गई थी और अभी ठंडक बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिन धूप निकली, ठंडक कम हो गई थी, लेकिन अभी तो धूप नहीं निकलेगी क्योंकि मौसम नहीं लग रहा है। ये देखो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए ये सामने मेरे प्लाट खाली पड़े हैं, तो वही अभी बने नहीं हैं। और ये देखो आरव, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। आरव भी अभी ऐसे घूम रहे, और आरव को आज हम स्कूल भेजेंगे नहीं, क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे। और बाहर गेट के ही बैन छोड़ देती है बच्चों को, तो फिर अंदर जाते जाते भीगने का डर रहता है। और आरव तो अभी देखो, तब से आपसे बात कर रहे हैं तब से तेज और हो गई बारिश। और यहाँ वो तुलसी रखी थी, मैंने उसको अंदर कर दिया था क्योंकि कोहरा पड़ने लगा था, तो तुलसी ख़राब हो जाती। एक दिन मैंने धनिया लगाई थी, इसमें ये लगाया ना, इसमें जगह थी तो मैंने धनिया लगा दी थी। इससे मैंने 2-3 बार धनिया निकाल के सब्जी में भी डाल दी, इतनी अच्छी निकली थी। ये देखो अच्छा लगता है ना, पर यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए कहीं लगाने का बनता नहीं है। वैसे मुझे अच्छा लगता है कुछ सब्जी वाली चीज़ें लगाओ ऐसे। और वो देखो छाता रखा, क्योंकि ये अभी दूर लेके आए, इसलिए अभी इनको स्कूल जाना है तो थोड़ी देर में जाएंगे। ये देखो पेड़ यहाँ से निकल गए, सब हट गए, कम करवा दिए गए थे कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा मच्छर आने लगे थे और कीड़े पेड़ पे थे, तो इसलिए हटवा दिया गया था। अभी जब बाद में निकल आएंगे सब बारिश के मौसम के बाद, अभी सर्दियों में तो वैसे भी पत्ते निकल जाते हैं ज़्यादातर पेड़ों के, तो बाद में सब आ जाएंगे। सब लोगों को पेड़ बहुत अच्छे लगते जो मेरे यहाँ बाहर पे लगे तो अभी थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन हैं फिर भी। तो चलो चलते हैं अंदर, नहीं तो ठंडक लग जाएगी। अभी हम किचन में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी मौसम के हिसाब से तो मैंने कट करके रख लिया ये गोभी, और मटर तो मैं छील के ही रख लेती हूँ क्योंकि जब डालनी हो तो डालती हूँ, क्योंकि अभी तो मटर बहुत अच्छी आ रही है। और ये आलू कट कर लिए, अभी पानी है उसमें तो मटर इसमें डाल दे रही हूँ। अभी सब्जी छोक दे रही हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी पूड़ी। आटा भी बन लिया, तो तैयारी सब कर ली है, बस बनाने बनाने पर रह गया। और ये देखो टमाटर, मिर्च, प्याज, धनिया कट कर लिया। और मैं क्या करती हूँ, पहले सब्जी छोक देती हूँ और ये आलू और मटर है ना तो डाल देती हूँ। गोभी जब थोड़ा सा आलू पक जाता है तब डालती हूँ, क्योंकि फिर वो गलता नहीं है एकदम से, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सो शुरू कर रही हूँ बनाना। जीरा डालती हूँ, ऑयल गर्म हो गया था तो वो जीरा डाल दिया। इसमें टेस्ट भी हो रहा मसाला कलर, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, कम से ऐसा हो रहा शायद सर्दी की वजह से। और ये डाली प्याज, प्याज डाल दिया। सब्जी छुक गई है और अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पूड़ियाँ उस हिसाब से थोड़ी सी देर में भी बनाऊंगी, नहीं तो फिर पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। ठंडक है बहुत जल्दी, सब्जी ठंडी हो जाती, तब तक चाय इतनी गर्म होती, कप में डालते रहते सब ठंडा हो जाता। बहुत मौसम ठंडा हो गया फिर से, 2-3 दिन धूप निकली, इतना अच्छा, इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा ये लग रहा था अब नहीं सर्दी पड़ेगी, पर फिर से पड़ेगी तो अब की बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। और बात कर रही है अपने पापा से,
ये बन जाएगी, गोभी अभी नहीं डाला, गोभी डालूंगी बाद में। और लस्से की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे सूखी जो बिल्कुल सूखी बनती है ना वो ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, खा लेते हैं पर कोई जितना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा रसे वाली अच्छी लगती है आरब को भी, इनको भी, मुझे भी। तो वही बनाऊंगी थोड़े रसे वाली सब्जी। क्या कर रहे हैं? हाँ नहाके आए हैं, पूजा भी कर ली ना? पूजा कर चुके। हेयर स्टाइल बनाई जा रही, इतनी देर से हेयर स्टाइल बनाई, मैंने सब्जी पूरी अब करके ठीक रख भी ली, बन अब बनने में बस थोड़ी सी टाइम है। और ये देखो स्टैंड यहाँ रखा क्योंकि बाहर बारिश है ना, इसलिए क्या कहते हैं, ये देखो पूड़ियाँ बन गई और हम लोग जा रहे खाने के लिए। बैलेंस नहीं बनना सब्जी फ्रिज में, ऐसी बात नहीं है, परस लेते हैं बस बनानी नहीं आती है, कोई कोई चीज बनानी आती है पर परसना तो आती है परोसना भी कोई ये भी एक टैलेंट आर्ट है, आर्ट जैसे कि मैं चाय नहीं बनाती ना, ऐसे सबके काम बटे बटे होते हैं इस चीज में रख लेते हैं। हाँ हाँ प्लेट में रख दूँ, गर्म है ना इसलिए अभी तो बहुत हेल्प करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कर लिया ब्रेकफास्ट और आ गई फिर से किचन में क्योंकि किचन क्लीन करनी थी ना, सब सामान फैल जाता है सुबह बनता है। और मैंने सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी क्योंकि अभी कर ली है और इनकी छुट्टी होती है 3 o'clock पे, तो 4 o'clock की तरफ आ पाते हैं ना, दूर पड़ता है स्कूल और छुट्टी होती है उसके बाद ही आप, काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है तो आ पाते हैं, तो बना ली मैं और आ रहा हूँ, तो खा लेंगे हम लोग और देखेंगे। अगर धूप निकल आई तो राइस बना लेंगे थोड़ी, नहीं तो रोटी बना लेंगे, तो क्योंकि सर्दियों में थोड़े से कम राइस बनते हैं। और कर ले रही हूँ मैं, टेस्ट ऑल डाल रखा, टोपा नहीं लगा रखा क्योंकि टोपे से यार एकदम से चिपक जाते हैं ना, खुजली मचने लगती है यार में और बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो स्टॉल डाल दिया है तो इससे थोड़ा सर्दी भी नहीं लगती और हेयर ख़राब भी नहीं होते, तो कर लेते हैं काम। ये सब चीज़ मैं करके रख दूँगी बाउल में, तो अच्छे से रखी रहेगी बाकी बताया तो। और मिल्क गर्म करना अभी, तो बर्तन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो बर्तन धुलने आएंगी ना अभी अम्मा, तो उनको अम्मा बोलते हैं जब बर्तन धुलने आती हैं तो आएंगी, तो सब बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो धुल जाएंगे, और फिर शाम मीटिंग के जो होंगे वो शाम में हो जाएंगे। तो अभी कर ले रही हूँ काम, वो आएंगी 12:30 या 1 बजे की तरफ ऐसे आएंगी, तो तब तक काम मेरा लगभग पूरा फिनिश ही हो जाता है। और आज बारिश हो रही है ना, थोड़ा सा रुकता है थोड़े से फिर से होने लगती, तो इस वजह से देखो सारे लेट भी आए या बारिश जैसे बंद हो तो पहले भी आ सकती हैं, तो चलो कर लेते हैं। ये देखो किचन क्लीन हो गई, यहाँ पे कुछ हटा के नहीं करना था क्योंकि ये मैं करती ही रहती हूँ जल्दी जल्दी से, तो और ज़्यादा सामान भी रखा ना सब, तो इसलिए बाकी बकाया पूरी करती।
थैंक यू, मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या कर रहे यार? लैपटॉप चला रहा। क्या बना रहे लैपटॉप में? डायनासोर। आरव को डायनासोर पसंद? मैंने सोचा। अच्छा, वैसे आरव डायनासोर बनाते क्योंकि आरव को डायनासोर अच्छा लगता है। मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा नहीं बनाना। देखो आरव ने स्कूल में क्या जीता, ये गोल्ड मेडल। इसको निकालो आप, निकाल। ये देखो ये गोल्ड मेडल। किसका टेस्ट था आरव, किसमें विनर हुए आप? साइंटिस्ट वाला था, जूनियर साइंटिस्ट का टेस्ट था, उसमें आरव ने ये गोल्ड मेडल जीता। एक क्लास में ए रैंक आई आरव की। बहुत अच्छा वाला काम किया आरव ने। पिछली बार भी आरव की ए ही आई थी। ये देखो, ये देखो, पिछली बार भी आरव की ए ही रैंक आई थी, है ना आरव? इधर तो देखता स्माइल करके फेस आई थी। तो आरब बड़े हैप्पी हैप्पी हैं, हैप्पी हैप्पी। तो आरब विनर हैं, तो आरब को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना, है ना आरब? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सब बोलना भी चाहिए, नहीं भी बोलना चाहिए। क्यों? आपने गोल्ड मेडल जीता तो बोलना चाहिए ना सबको। बाय बोल दे सबको। देखो कपिल शर्मा शो देख रहे आरव। रिपीट आता ना तो मेरे यहाँ रिपीट भी चलता रहता है। इतने सब लोग कपिल को पसंद करते हैं। हम लोगों को जरूर कभी मौका मिला तो हम लोग मिलने जाएंगे मुंबई क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हो गया सारा मॉर्निंग का काम जितना था। कपड़े थोड़े से मशीन में डालने थे लेकिन नहीं आज डालूंगी क्योंकि बारिश होके रह गई है, सूखेंगे नहीं वो। और भले मशीन के निकले हुए पर थोड़ा सा बाहर हवा लग जाती है तो अच्छे हो जाते हैं। पर आज कुछ मौसम ऐसा खुलने का लग नहीं रहा कि वो खुलेगा क्योंकि थोड़ा सा बंद हुआ था बीच में और फिर से चालू हो गई बारिश। और एकदम से काला बादल होता है फिर बारिश शुरू हो जाती है और मैं थोड़ी सी टेढ़ी हो गई क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा वैसा हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये भी हेल्प करवा लेते हैं मेरी, इनका ये अच्छा है कि जितना इनके पास टाइम होता है उससे ज़्यादा ही हेल्प करवा लेते हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही ऊपर सारा है कि मैं करूँ, ये भी करूँ वो भी करूँ, ऐसा नहीं। थोड़ी सी ये भी हेल्प करवा लेते और मैं भी कर लेती, दोनों लोग मिलकर कर लेते तो हो जाता। और बाकी बकाया जो मेरे यहाँ काम करने आते वो कर लेते तो ऐसे मिलके हो जाता। और आज आरव को भी नहीं जाना था स्कूल, इनको भी बस जाना था। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके पास बेल आइकन है वो दबा लेना ताकि जैसे ही मैं अच्छे अच्छे से ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी मुझे शूट करना है दूसरे चैनल के लिए वीडियो, मैंने दूसरा चैनल भी चालू किया है तो आप लोगों को उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और देखना। नेचर अर्चना से मैंने उसको भी चैनल का नेम रखा है तो आप लोग ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना, उसको भी बहुत सारा प्यार देना जैसे इस वाले चैनल को दे रखा है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अभी जाऊँगी थोड़ा सा उठ के लेटूंगी और अंदर ही रूम बेड ही रूम में लेट जाऊँगी, वहीं पे टीवी देखती रहूँगी। और अब भी वहीं टीवी देख रहे और वहीं लेटूंगी और उड़ के क्योंकि मौसम खराब है तो यहाँ वहाँ घूमने का कुछ बनता नहीं तो वहीं लेटे लेटे टीवी देखूँगी और लेटी रहूँगी। सो बाय।